कोरोना महामारी में आपको ना सिर्फ संक्रमण से बचना है बल्कि उन लोगों से भी बचना है जो संक्रमण की आड़ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। जी हाँ, मुफ्त में कोरोना टेस्ट के नाम पर लोगों से बैंक संबंधी जानकारी मांगी जा रही है और महामारी के बीच साइबर हमले का खतरा काफ़ी बढ़ गया है। क्या है पूरा डिटेल ये बताने के लिए हमारे संवाददाता अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए क्या पूरी जानकारी है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक आगाह किया है कि देश भर के अंदर कई लोगों के अकाउंट्स पे साइबर अटैक हो सकता है, साइबर हमला हो सकता है। इसको लेकर लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और उसके बाद आईटी कंपनी से लेकर बैंकों ने अपने जो ग्राहक है उनको आगाह किया है कि उनको अगर कोई मेल आता है जिस मेल की जो आईडी है वो ncov19gov.in हो और उस पर ये दावा किया जाए कि आपको फ्री जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है, आपको ये डिटेल भरनी है, तो लोगों को उस मेल के ऊपर क्लिक नहीं करना है और अपनी किसी भी तरह की डिटेल साझा नहीं करनी है। अनुराग, ये बता रहे थे कि आपको इस तरह के ईमेल से आगाह रहना है जहां पर आपको मुफ्त में कोरोना टेस्ट का प्रलोभन दिया जा रहा हो और जब आप उस पर जाएंगे तो आपसे अलग अलग डिटेल मांगे जाएंगे, तो आपको वो डिटेल बिल्कुल नहीं देना है। और ये मुफ्त कोरोना टेस्ट वाली मेल के ऊपर या और किसी तरह से अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है तो आपको उसके ऊपर भरोसा नहीं करना है, आपको अपनी कोई भी डिटेल नहीं देनी है। ये अलर्ट जारी किया गया है सरकारी एजेंसी की तरफ से, तो इससे आपको सावधान रहना है।